फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ इंग्लिश क्लास। आज इंग्लिश के इस सेशन में हम जो लास्ट सेशन में पोएम पढ़ रहे थे, आई लव लिटिल पुसी, यानी कि मैं लिटिल पुसी, छोटी पुसी से प्यार करती हूँ, इसी का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं। बच्चों, पोएम हमने पूरी पढ़ ली थी, समझ ली थी, एक्सप्लेनेशन हो गया था इसका, लेकिन कुछ एक्सरसाइज पार्ट है जो आज हम देखेंगे। बहुत ही मजेदार सी एक्सरसाइजेस हैं जिसको करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आइए देखते हैं आई लव लिटिल पुसी इस पोएम की एक्सरसाइजेस। सबसे पहले आइए देखते हैं एक्सरसाइजेस। फर्स्ट एक्सरसाइज इज लिसन एंड रिपीट, यानी कि सुनिए और रिपीट कीजिए, दोहराइए। तो जैसा कि हर पोएम में होता है, यहाँ पे कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं दैट वी विल रीड। मैं पढ़ूंगी, वैसे ही आप भी पढ़िएगा। मैं हर लाइन को 2 times पढ़ूंगी, तो आप भी सेकेंड टाइम में मेरे साथ बोलिएगा। तो देखिए, फर्स्ट लाइन में है कोट, बोट, गोट। फिर से बोलती हूँ, कोट, बोट, गोट। नेक्स्ट लाइन, टेल, मेल, रेल, टेल, मेल, रेल, साइड, राइड, वाइड, साइड, राइड, वाइड। एंड द लास्ट लाइन, हार्म, फार्म, चार्म, हार्म, फार्म, चार्म। तो इस तरह से ये जो थे हर लाइन में जो थे राइमिंग वर्ड्स थे, ये हमने पढ़े। अब देखिए, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब वर्ड पावर, इसमें देखिए बड़ी मजेदार सी एक्सरसाइजेस है, आपको अच्छा लगेगा करके, मजा आएगा। फाइंड एटलीस्ट 9 words फ्रॉम द पोएम इन दिस वर्ड स्क्वायर, यानी कि इस पोएम में आए हुए कम से कम 9 शब्दों को हमें ढूंढना है इस वर्ड स्क्वायर में। तो देखिए, कभी भी अगर इस तरह का जो है आपके पास आता है, तो आप कैसे ढूंढते हैं इसको, आई डोंट नो, बट मैं तो बचपन में जैसे ढूंढती थी, मैं आपको वो तरीका बताती हूँ। बड़ा ही सिंपल तरीका होता है। क्या करना होता है, सबसे पहले हम ऐसे डाउन में ढूंढेंगे एंड देन अक्रॉस में ढूंढेंगे। तो जैसे कि डाउन में यहाँ पे हार्म, एक वर्ड लिखा हुआ है हार्म, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम सेकेंड लाइन देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए, एच यू आर टी, हर्ट, ठीक है ना, सेकेंड वर्ड मिल गया। देन थर्ड लाइन अब हम देखेंगे तो ये देखिए, ड्राइव, डी आर आई वी ई, ठीक है ना, ये थर्ड वर्ड मिल गया। नेक्स्ट वर्ड अब देखिए, ये मिला हमें पुसी, पी यू एस एस वाई। इस तरह से बड़ी ही आसानी से मिलते जाते हैं हमें शब्द। ये देखिए, टेल, टी ए आई एल, टेल। देन देखिए, वॉर्म मिल गया हमें, डब्ल्यू ए आर एम, वॉर्म। फिर अब इस लाइन में कोई वर्ड नहीं है हमारे पास, और इधर ये देखिए, लिटिल, एल आई डबल टी एल ई। अब ये तो हमने डाउन में देखे, अब अक्रॉस में देखते हैं कि क्या अक्रॉस में कुछ शब्द मिलेंगे। देखिए, अक्रॉस में अगर हम देखें, एक वर्ड तो है लेकिन इस पोयम में यूज नहीं हुआ है, क्लोव, सी एल ओ वी ई, क्लोव। क्लोव का मीनिंग पता है आपको, इसका मतलब होता है आप लॉन्ग इलायची खाते हो ना, तो लॉन्ग जो होता है उसको क्लोव बोलते हैं। चलिए, अब देखिए, जेंटल, ये सेकेंड वर्ड मिल गया हमें, जेंटल, जी ई एन टी एल। तो ऐसे इन्होंने 9 words बोले, हमें कितने सारे वर्ड्स मिल रहे हैं देखिए। फिर नेक्स्ट वर्ड है पॉ, पी ए डब्ल्यू, हालांकि पॉ जो है ये शब्द नहीं आया है इसमें। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, नेक्स्ट कुछ लाइनों में यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा हमें। ये देखिए, लास्ट लाइन में हमें मिल गया एक वर्ड, कोट, सी ओ ए टी। तो इनको जिस तरह से ये हार्म शब्द को किया गया है, वैसे ही आप ये सारे वर्ड्स को भी आंसर कर दीजिए। नाउ राइट द वर्ड्स यू हैव फाउंड। अब देखिए, यहाँ पे क्या करना है, हमें जो शब्द हमें मिले हैं उनको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे 9 spaces है, तो हम कौन कौन से शब्द लिखेंगे, ड्राइव, जेंटल, हर्ट, लव, टेल, पुसी, कोट, वॉर्म, लिटिल। तो ये सारे शब्द हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विच हैव सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स। कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका साउंड तो सेम है, यानी एक जैसा ही हम बोलते हैं इसको, लेकिन मीनिंग जो है डिफरेंट है और स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है। दीज आर कॉल्ड होमोफोन्स, तो इनको हम होमोफोन्स बोलते हैं। जैसे देखिए, आई, आई, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, इस आई का मतलब क्या है, मैं, और ये आई यानी आप। टेल, टेल, ये टेल यानी पूछ, और ये टेल यानी कहानी। नेक्स्ट है सी, यानी देखना, सी यानी समुद्र, और होल यानी छेद, और होल यानी पूरा, संपूर्ण जिसको बोलते हैं। इसी तरह से राइट यानी लिखो, लिखना, और राइट यानी कि सही, और राइट यानी कि राइट साइड भी होती है। तो ये जो है, ये होमोफोन्स है जो सुनाई देने में एक जैसे लगते हैं,
मीनिंग्स डिफरेंट है, स्पेलिंग्स डिफरेंट है. ऐसे ही और भी कई सारे शब्द, जैसे नो हम बोलते हैं, एन ओ को भी नो बोलते हैं और के एन ओ डब्ल्यू को भी हम नो यही बोलते हैं, पर मीनिंग उसका डिफरेंट है. तो अब ये देखिए, ये सारी एक्सरसाइजेस हम ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं. आज हम और जो देखेंगे, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो. कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसका सेंटेंस में यूज करना है. तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम इसको भी देखेंगे. लेट्स टॉक. अब देखिए इसको, इस एक्सरसाइज को, लेट्स टॉक यानी कि आओ बात करें. हियर आर सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू टू एनिमल्स विच यू नो वेरी वेल. यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि दो जानवरों से रिलेटेड है, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं. दोनों एनिमल्स को आप अच्छी तरह से जानते हैं. द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड. सेंटेंसेस क्या हो गए? जम्बल्ड हो गए, यानी कि दोनों एनिमल्स के सेंटेंस मिक्स हो गए. सेपरेट देम एंड राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स. तो हमें क्या करना है, सेपरेट करना है और एनिमल्स की नेम लिखने हैं. तो पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है. जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा किस एनिमल की बात हो रही है. इट वॉचेज आर हाउस, यानी कि ये जो है हमारे घर को वॉच करता है, हमारे घर की रक्षा करता है. इट कम्स साइलेंटली इन द किचन एंड सिप्स द मिल्क. ये जो है बिल्कुल साइलेंटली चुपचाप से किचन में आती है और दूध को सिप करती है, दूध पीती है. समझ में आ गया? इट इज वेरी फेथफुल. ये बहुत ही फेथफुल है, यानी विश्वास पात्र है. इट इज टेम्ड, यानी कि इसको हम टेम करते हैं, इसको हम सिखाते हैं चीजें कई सारी. दैट रैट्स आर अफ्रेड ऑफ इट, यानी कि चूहे इससे डरते हैं. इट म्यूज, ये जो है म्याऊ करती है. इट बार्क्स, ये भौंकता है. वी कॉल इट मौसी, हम इसको मौसी बोलते हैं. तो यू मस्ट बी नोइंग कि किन टू एनिमल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. यस, हम बात कर रहे हैं डॉग और कैट की. तो अब देखिए यहाँ पे आपको दो कॉलम्स मिलेंगी. इन कॉलम्स में हमें लिखना है, यहाँ पे तो आप लिखोगे डॉग, यहाँ पे लिखोगे कैट. एंड देन आप यहाँ पे जो सेंटेंस डॉग के बारे में वो लिखेंगे और यहाँ पे जो कैट के बारे में वो लिखेंगे. तो देखिए किस तरह से लिखोगे आप. डॉग के बारे में लिखेंगे इट वॉचेज आर हाउस, यानी कि ये हमारे घर की रक्षा करता है, देखता है. इट इज वेरी फेथफुल, इट इज टेम्ड, इट बार्क्स. तो ये जो चार सेंटेंसेस है हमारे डॉग के बारे में भी, तो ये हम यहां लिखेंगे इस कॉलम में. अब जो सेकंड कॉलम है कैट का, उसको देखते हैं. यहाँ पे क्या लिखना है हमें, द कैट. इट कम्स साइलेंटली इन द किचन एंड सिप्स द मिल्क. धीरे से आती है, दूध चट करती है. द रैट्स आर अफ्रेड ऑफ इट. फिर क्या है, इट म्यूज, म्यू यानी कि म्याऊ करती है. वी कॉल इट मौसी, हम इसको मौसी कहते हैं. तो इस तरह से ये चार सेंटेंसेस जो है ये कैट के बारे में, तो आप इस तरह से कर सकते हैं. अब जो आगे की एक्सरसाइज है वो हम देखते हैं. कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट पेट एनिमल्स एंड राइट देयर नेम्स. अलग अलग पेट एनिमल्स की पिक्चर्स कलेक्ट कीजिए, या फिर आपकी ड्राइंग अच्छी हो तो आप बना सकते हैं. ड्राइंग बनाइए पेट एनिमल्स की और उनके नाम लिखिए. तो आइए अब इसके एक्सरसाइजेस को देखते हैं. तो सबसे पहले ग्रामर इन यूज, इसकी जो एक्सरसाइज सी थी उसको देखते हैं. यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो. कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको हमें सेंटेंस में यूज करना है. द फास्टेस्ट यानी कि सबसे तेज, द स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा, द लॉन्गेस्ट सबसे लंबा, द बेस्ट सबसे बढ़िया सबसे अच्छा, और द हाइएस्ट यानी कि सबसे ऊंचा. द हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, यानी कि हमिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटी चिड़िया है. माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया में सबसे ऊंची पर्वतों की श्रृंखला में से पर्वतों की श्रृंखला है. अ चीता रन्स द फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स. चीता जो है वो सबसे ज्यादा तेज भागता है सारे एनिमल्स में, सारे जानवरों में सबसे तेज कोई भागता है तो वो चीता है. बीरबल टोल्ड द लॉन्गेस्ट स्टोरी टू अकबर. बीरबल ने अकबर को सबसे लंबी कहानी बताई. और लास्ट है, सुजाता इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, यानी कि सुजाता उसके क्लास की सबसे अच्छी सबसे बेस्ट स्टूडेंट है. तो ये तो हमारे सेंटेंसेस हमने देख लिए किस तरह से यूज करना है इसमें. लेट्स राइट. अब हमें लिखना है, क्या लिखना है, राइट फाइव सेंटेंसेस अबाउट कैट्स. कैट के बारे में फाइव सेंटेंस लिखने हैं. तो देखिए किस तरह से लिखेंगे. अ कैट इज अ पेट एनिमल. कैट एक पालतू जानवर है. इट म्यूज एंड रैट्स रन अवे ऑन हियरिंग इट. ये म्याऊ यानी म्यू करती है और जो है चूहे जो है इसकी आवाज सुनकर भाग जाते हैं.
इट ईट्स रैट्स एंड ऑल्सो लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क, ये चूहे खाती है और इसको दूध पीना भी बहुत पसंद है. इट इज व्हाइट, ब्लैक और ब्राउन इन कलर, यानी कि ये इसका रंग जो है या तो सफेद, काला या भूरा, ब्राउन यानी भूरा होता है. इट इज नॉट ए फेथफुल पेट एंड इज अ श्रूड एनिमल. देखिए, जिसे डॉग के लिए कहा जाता है कि डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, हमारी जो है बहुत ही अच्छा दोस्त होता है. लेकिन कैट ऐसे नहीं है, कैट एक श्रूड एनिमल है, यानी कि ये इसका भरोसा हम कभी नहीं कर सकते. इट इज नॉट अ फेथफुल पेट. अब देखिए, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर पेट. आपको अपने पेट के बारे में, आपको अपने पालतू जानवर के बारे में 5 सेंटेंस लिखने हैं. तो अभी जो हमने लिखा वो एक कैट के बारे में एक जनरल 5 सेंटेंसेस थे. अब आपका पेट कोई भी हो सकता है. यहाँ पे हमने माय पेट एनिमल काउ, गाय के ऊपर लिखे हैं 5 सेंटेंस. आप डॉग या फिर आपका जो भी पेट एनिमल है उसके बारे में, रैबिट, कई सारे होते हैं, आप किसी के भी ऊपर लिख सकते हैं. तो देखिए, माय पेट एनिमल काउ. काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है. वी कॉल हर गौ माता एंड वर्शिप हर, हम उसे गौ माता कहते हैं और इसकी पूजा करते हैं. द काउ डंग इज यूज्ड इन मेकिंग डंग केक्स कंडास व्हिच आर यूज्ड एज फ्यूल, यानी कि जो काउ डंग है, गाय का गोबर है, वो जो है कंडे बनाने के काम आता है. काउ डंग यानी कि गाय का जो गोबर, उससे डंग केक्स बनते हैं. डंग केक्स इंग्लिश में बोलते हैं कंडे जो होते हैं उसको, और जो कि फ्यूल के रूप में यूज होता है, ईंधन के रूप में यूज करते हैं. काउ डंग इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग गोबर गैस, जो गाय का गोबर है वो गोबर गैस बनाने के भी काम आता है. आई लव माय गौ माता अ लॉट, और मैं अपनी गौ माता को बहुत प्यार करती हूँ. तो ये हमने कुछ सेंटेंसेस देखे अपने पेट एनिमल्स के ऊपर. आप भी अपने मन से कुछ जो आपका पेट एनिमल है उसके ऊपर कोशिश कीजिए कि आप उसके सेंटेंस लिखें. अब देखिए, अब जो नेक्स्ट है आपको बड़ा मजा आने वाला है, लेट्स डू इट. इसमें क्या करना था, पेट एनिमल्स के पिक्चर्स आपको जो है लगाने थे. तो देखिए, यहाँ पे कौन कौन से पेट एनिमल्स हो सकते हैं, कैट, डॉग, काउ, ऑक्स, शीप, गोट, रैबिट, बफेलो, डंकी, पिग, हॉर्स, कैमल. तो ये तो बहुत थोड़े से थे, और भी हमारे बहुत सारे पेट एनिमल्स होते हैं जिनको कि हम घर में पालते हैं. तो ऐसे ही आप और भी पेट एनिमल्स के नाम लिख सकते हैं. तो ये नाम आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, और पिक्चर तो आपको पसंद आ ही रही होगी, तो आप भी ऐसे पिक्चर बनाने की कोशिश कीजिएगा. तो बच्चों, आज जो है हमने ये चैप्टर, ये जो हमारी पोएम थी, पढ़ ली थी, और आज इसके एक्सरसाइज पार्ट भी पूरी कर ली है. होपफुली आपको सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से समझ में आई होंगी. हमने कई सारी चीजें सीखी है बच्चों इस पोएम के दौरान. होमोफोन्स के बारे में सीखा है, और जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी कई खूबियों के बारे में जाना है. तो इसी नोट पे आज का सेशन हम यही फिनिश करते हैं. नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात होगी. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय.